नासरीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपको बताते चलें, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुस्लिम ममालिक का मुस्तकबिल। आज इस बात पर हम डिस्कस करेंगे, आपकी राय भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे भी हम चाहेंगे कि आप फ़ोन कॉल्स करें और हमारे साथ इस मौजू पर जो है गुफ्तगू करें। वैसे तो जो हमारे ऑनलाइन गेस्ट होते हैं वो बहुत जो है वसत के साथ एक तजिया पेश करते हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक की जो हालात हैं इस वक्त उसके बारे में, और फिर जो मुसलमान एज अ कौम जो है वो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें और बहुत सारे हकायक जो हैं वो हमें बताते हैं, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल जो है वो मुस्लिम ममालिक का वो किस तरफ जा रहा है और क्या उसमें तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है और हमें उस सिलसिले में क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी हिस्सा हैं इस्लाम का एक और इंडिविजुअली हर एक फ़र्द जो है वो इसमें शामिल होकर एक कौम बनाता है। जी अली भाई, आप आज हमने बात की, जैसे हमारे जो गेस्ट थे ऑनलाइन उनसे भी बड़ी तफसीली बात हुई, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, उसमें से बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो देखें। जैसे आपने कहा कि मुस्तकबिल के मामले में जो बिल्कुल आया है, दो मंसूबे हैं उसमें, जैसे इससे पहले भी हम इस पर अर्ज कर चुके हैं, अपने नाज़रीन की खिदमत में बात कर चुके हैं कि हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, किसी से चाहे आपका कोई मामला क्यों ना हो उससे भी जो है वो हिसाब किताब बराबर करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमने बयान फरमाया था जो कि ख़त अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, एक उनका बताया हुआ तरीक़ा है, और एक दूसरा अमीर शाम का बताया हुआ तरीक़ा है जो कि ताग़ूत का रास्ता है, शैतान का रास्ता। रास्ते आपके सामने दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता है, एक बदी का रास्ता है, एक खुदाई रास्ता है, एक शैतानी रास्ता है। अब जो मामला बिल्कुल सामने से नज़र आ रहे हैं मुस्लिम ममालिक के, तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इराक़ हो, यमन हो, मिस्र हो, शाम हो, बहरीन हो, फ़लस्तीन हो, इतने ममालिक एक एक करके तागूत ने हड़प कर लिए हैं, तबाह बर्बाद कर दिए हैं। आप सलाम पेश करेंगे जनरल राहिल शरीफ को, अगर बरवक्त कार्रवाई ना करते तो पाकिस्तान भी उनका तरने वाला साबित होता और बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह तबाह बर्बाद हो जाता। उन्होंने बहुत लगाम डाली और उसका नतीजा ये निकल कर आया कि जैसे अभी क़िबला ने कहा कि मुफ्ती नईम साहब बौखला उठे और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर कहा कि अब हमारी वेबसाइट पर कोई तकफीर का फतवा नहीं होगा, ना शियों के खिलाफ ना सुन्नियों के खिलाफ। मतलब सवाल ये है कि क्या आप तकफीर के कायल नहीं रहे हैं इस वक्त, और अगर कायल थे तो फिर फतवे, मतलब उस वक्त फतवे क्यों डाले थे? ठीक है, मतलब एक अजीब कैफियत है उनके ऊपर, जो हाथ मजबूत हाथ डाला गया है उससे वो बौखला गए, फिर आपस में टूट फूट का भी शिकार हैं। अभी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात करते रहेंगे। तो दो रास्ते हुआ करते हैं, एक रास्ता, एक मंसूबा, मंसूबे भी दो हुआ करते हैं, एक मंसूबा शैतानी क़ुव्वतों का है, यानी जैसे जिन ममालिक के मैंने नाम लिए, एक एक करके उसको जो है वो ताखुद हड़प कर चुका है, आलमी इस्तेमार उसको तबाह बर्बाद कर चुका है, वहाँ की माशी सूरत हाल अबतर है, वहाँ पर लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं, मतलब कोई सिलसिले कार ना हो जहाँ पर दहशतगर्द गुरु घुस जाएँ और उसको वो तबाह बर्बाद कर छोड़ें, उनका कोई बिजनेस ना रहे, उनकी कोई माशी कोई एक सिस्टम का तबाह हो जाए, नाबूद हो जाए, स्कूल कॉलेज का तालीमी निज़ाम तबाह हो जाए, तो एक तो मामला एक जो जनरेशन है फी ज़माना उसको तबाह करना, और एक कई आगे जनरेशन का बंदोबस्त कर देना कि वो अंधेरों में ढकेल दिया है। बिल्कुल, मेन मकसद ये है कि मुस्तकिल जो है वो आने वाली नस्लों को भी तबाह किया जाए। तो एक मंसूबा तो ये था। कॉल अली भाई शामिल करेंगे, बिल्कुल शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद याकूब साहब, मैं अमित को लंदन से बोल रहा हूं जी। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आपको और शहजादे अली मुसवी साहब को आदम के साथ सलाम पेश करता हूं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप लोगों की बातें सुनी, कॉल भी सुने, क्या कहने आप लोगों के। अल्लाह ताला आपको खुशकर्म रखे और आप इसी तरह अल्लाह ताला का नाम है और अल्लाह ताला की बरकतें लोगों में बांटते रहे। बात यह है कि जो लोग कलमा पढ़ते हैं और कलमे वाले से प्यार नहीं करते, या कलमे वाले को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, काश के इनको पता चल जाए कि नबी क्या होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के नबी सलाम ने फरमाया कि जो चीज छुप जाए वो खुदा नहीं हो सकती। तो इसको ढूंढने के लिए जिस तरह बच्चा माँ को ढूंढता है, इस तरह ढूंढने दो, अपने नबियों के साथ मिल जाओ। और शैतान के लिए ये मौत है नबियों का बात करना और नबियों के साथ प्यार करना और नबियों की महफिल में बैठना, हजरत अली सलाम की महफिल में बैठना इबादत है, बात सुनना इबादत है और उनकी बातें करना इबादत है। काश कि हम लोगों को पता चलते कि अल्लाह वाले कैसे होते हैं और अल्लाह वालों के साथ प्यार किया कैसे किया जा सकता है। कलमा तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन कलमे वाले से प्यार करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा।
اگر نظر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں, کسی صورت میں بھی جائیں, ظاہر جائیں, پشیدہ جائیں یا باطن میں جائیں, یہ پھر ان کی مرضی ہے. پیار آپ کرو, بول رہے ہیں کہ گھر بنانا میرا کام ہے, اگر کوئی بجلی گرائے تو یہ اس کا کام ہے, کم از کم پیار تو کرنا سیکھ لو نبی سے. اسی کے ساتھ میں جانے جاتا ہوں, شہزادوں کا شکریہ ہے آپ سب کو, ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حجی شکریہ جی, بہت آپ کی محبت کا, آپ کی. تو یہ بات ہو رہی تھی, بہت خوبصورت گفتگو فرمائی محمد یعقوب صاحب نے, ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں, خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سب کے سروں پر سلامت رکھے. تو بات ہو رہی تھی دو منصوبوں کے تحت, ایک منصوبہ آپ نے دیکھا کہ دشمن کا منصوبہ ہے, بہت وسیع منصوبہ ہے, اس کے بھی بہت پہلو ہیں, کوئی ایک نہیں. ابھی حج پہ بھی بات ہوگی, تو ایک ایک کر کے یہ مسلم ممالک کو جو مختلف ایشوز کے ساتھ تباہ و برباد کیا, اور ان کی قوموں کو قوموں سے ہی لڑایا. اسے لیبیا میں آپ نے دیکھا, دو گروہ ہو گئے, ایک دوسرے کے اوپر وہ راکٹ باری کی, وہ راکٹ باری کی, کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ستم ڈھائے. اب کیا ہوا, پوری جو معیشت ہے تباہ و برباد ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور اس میں سے ملا کسی کو بھی کچھ نہیں. پھر وہاں سے لاکھوں لوگوں کو برین واش کر کے تکفیری بنا کے شام لایا گیا, وہ وہاں مار ڈالے گئے. مطلب ایک غدر ہو گیا نا, یہ کہاں ہو رہا ہے مسلم ممالک میں, چاروں طرف ایک ایک کر کے جی. وہی بات, یہ ایک اگر آپ دیکھیں ایک بہت عام نظر بھی ڈالیں تو احساس ہوتا ہے کہ فوکس سارا مسلم ممالک پر ہی ہے. دنیا میں اگر آپ اوور آل نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک پر ہی فوکس ہے. یہ ایسا چھوٹے موٹے تنازعات یا چھوٹے موٹے جو رائٹس ہیں وہ ہوتے دیکھتے ہیں ہم یورپ امریکہ میں, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے بربادی ہمارے مسلم ممالک کی ہو رہی ہے. اور یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ جو طاقوتی قوتیں ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور ان کا ایجنڈا ہے یہ کہ انہی ممالک کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جو ہے, مگر بک تو مسلمان رہے ہیں. بالکل بالکل,